170 साल पुराने ग्वालियर व्यापार ट्रेड फेयर मेला इन दिनों दुकानों के आवंटन को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। यहाँ पर कई व्यापारी मेले द्वारा निर्धारित दरों पर दुकानें लेकर बाहर के व्यापारियों को अधिक दरों पर किराया दे देते हैं। यह मामला काफी हद तक गंभीर रूप ले चुका है। ग्वालियर मेले में दुकानों के आवंटन को लेकर वर्तमान स्थिति क्या है, इस पर MKN न्यूज के प्रतिनिधि योगेश बिसारिया ने जब लोगों से बातचीत की तो स्थिति स्पष्ट हुई। सुनिए रिपोर्ट में यहाँ के व्यापारियों का क्या कुछ कहना है। जनता लोहानी के लिए आए हो, तुमने कितना पैसा खर्च कर दिया अभी तक आपने? इसमें हो गया मतलब ये मान लो 3-4 लाख प्लस में खर्चा होता है एक दुकान में अगर लगाने में ज्यादा ही। पूरा सेट करने में? हाँ। 4 लाख प्लस। तो ये दुकान आपने कितने मिली? ये सर 85,000 रुपये मिली हमने। जगह जगह नॉर्मल बस सिर्फ जगह जगह कितने में? 85,000 लाइट सब लगा के, लाइट और ये जो जगह है बाकी हमारे बनवाया हमने दुकान ये अलग। अच्छा वो बता, एक सीजन के लिए? हाँ बस 2 महीने के लिए, पूरे मेले के लिए। किससे लिए? बराबर वालों से, जैन जी से। ईशान जैन। अच्छा उनसे लिए। तो आपको लगता है कि आपने जो इतना इन्वेस्ट किया है तो आप यहाँ से ले जाएंगे? लगता तो है कि हो जाए। अच्छा, मेले में आपको रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है? सही है, अच्छा है, थोड़ा हल्का है सर, हो जाएंगे बढ़िया है? अभी थोड़ा हल्का रिस्पॉन्स है, इसमें खास नहीं है, अभी हो सकते हैं आगे चल के स्टार्ट हो जाएंगे। ये मेले का प्रोग्राम 45 दिन चलेगा। हाँ 2 महीने। आपको बता दें ग्वालियर में व्यापारियों को जगह स्क्वायर फीट के हिसाब से दी जाती है और उसकी बकायदा रसीद भी कटती है, लेकिन काम करने वाले प्राधिकरण के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से ग्वालियर मेले में दुकानों के आवंटन को लेकर काफी विवाद चल रहा है। 117 साल पुराना ग्वालियर व्यापार ट्रेड फेयर मेला इन दिनों दुकानों के आवंटन को लेकर विवादों में घिरा हुआ है। यहाँ पर कई व्यापारी मेले द्वारा निर्धारित दरों पर दुकानें लेकर बाहर के व्यापारियों को अधिक दरों पर किराए पर देते हैं। ये मामला काफी हद तक गंभीर रूप ले चुका है। वहीं मेले के पूरे मामले को लेकर जब मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव से बात की गई तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। सुनिए मेला सचिव निरंजन श्रीवास्तव ने क्या कुछ कहा। उसके अलग अलग जगह के अलग अलग है, 16.5 है, कहीं 27 है, ऐसा कुछ है। 16.5 है। अब वो स्पेसिफिक एरिया मेरे को देखना पड़ेगा, अभी ऐसे मेरे को याद नहीं है इस समय। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या? इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की दुकानों के रेट अलग हैं। फुट फुट मैं जो एक्स्ट्रा दुकान पक्की दुकान के अलावा फुट लेते हैं कितनी? हाँ वो उसका रेट, आपको रेट यदि चाहिए तो वो हम पता करके बता देंगे। इस समय जनरल दुकानों को जो लेते हैं लोग? हाँ वो सबके रेट हैं फिक्स हैं, जो कवर्ड एरिया करते हैं, जो दुकान के अलावा जो कवर्ड करते हैं वो उसके लिए टीम जाती है और टीम उसको कैलकुलेट करती है और उसके बाद उनको नोटिस उसके देते हैं। नहीं यदि ऐसी हैं तो वो उनकी रसीद, उनकी रसीद काटने की कार्रवाई करेंगे। ऐसे यदि कुछ हैं तो, यदि आपकी जानकारी में हो तो कुछ बताइएगा, और वो हमारी जो टीम भी है वो उसकी घूम रही है, और ऐसे यदि मिलते हैं तो उनकी भी रसीद काटेंगे। जैसे हाट शिल्प बाज़ार में कुछ लोग आए थे जो बीच में रख के अपना सामान बेचना चाहते हैं, कालीन वगैरह, तो वो उनको देने का है, विचार है उनको, तो जैसे हर साल लगाते हैं इसलिए उनको भी देंगे कुछ भी। तो नहीं वो हम दिखवा लेते हैं, नहीं उनको फिर वहाँ से हटवा देंगे यदि वो रसीद उनकी नहीं कटती है तो, हम कल ही उसको चेक करवा के उसको देख लेते हैं, नहीं तो उनको वहाँ से हटाएंगे। तो अब देखना होगा कि मेले में जो स्थिति बनी हुई है उसके खिलाफ मेला अध्यक्ष भी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा क्या एक्शन लेंगे या फिर सब ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले का अपडेट हम आपको लगातार देते रहेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।